हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्यूशन देखते हैं एएनटीएस फुल टेस्ट 11 का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन के साथ। क्या देख रखा है, इस क्वांटिटी का डायमेंशन किसके साथ सेम होगा, एल बाय आर सी वी। सिंपल सा क्वेश्चन, एल बाय आर क्या हो जाता है, एल आर सर्कल का टाइम कॉन्स्टेंट, तो एल बाय आर का डायमेंशन तो टाइम के बराबर हो गया, और सी इंटू वी क्या होता है, चार्ज, तो दिस इज वन बाय करंट के साथ सेम, तो वन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। दो सोप बबल्स देके रखा है, उनका सम एंड डिफरेंस ऑफ एरियाज का रेशियो देके रखा है, एक्सेस प्रेशर का रेशियो पूछा गया। ठीक, तो बेसिकली ए वन प्लस ए टू डिवाइडेड बाई ए वन माइनस ए टू इज इक्वल टू 5/3। तो कॉम्पोनेंट डिविडेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए वन बाई ए टू आ जाएगा 8/2 यानी कि 4। तो एरिया होता है 4π r², तो आर वन बाई आर टू का रेशियो हो जाएगा 2:1। अब मुझे निकालने के लिए एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर मतलब डेल्टा पी वन बाय डेल्टा पी टू, ये बबल है तो 4t/r, तो r2/r1 यानी कि इसका उल्टा 1/2, तो 2 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थ्री में वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देके रखा है, वी इक्वल टू ए माइनस बी टी, पूछा गया डिस्प्लेसमेंट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ठीक, रेस्ट होने के लिए v इक्वल टू जीरो अगर पुट करेंगे तो टाइम आ जाएगा a बाई वी, ये तो टाइम हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ डी एक्स इज इक्वल टू ए डी टी माइनस बी टी डी टी, इंटीग्रेट कर दो, टाइम हो जाएगा जीरो से a बाई वी, तो डिस्प्लेसमेंट इज a इंटू ए बाई बी माइनस बी बाई टू इंटू ए बाई बी होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर बाई बी माइनस ए स्क्वायर बाई टू बी, तो ए स्क्वायर बाई टू बी, आंसर हो जाएगा बी। थ्री का आंसर बी। फोर में क्या देके रखा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 मीटर, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम हो जाएगा 100/500, डिस्टेंस बाय स्पीड 1/5 सेकेंड, तो 1/5 सेकेंड में बुलेट जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह जाएगा, तो नीचे आ जाएगा, कितना नीचे आ जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, तो 1/5 यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो बेसिकली इतना टाइम में जो बुलेट है वो 20 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा, तो तुम्हें 20 सेंटीमीटर ऊपर एम करना पड़ेगा, तभी अगर तुम 20 सेंटीमीटर ऊपर एम करोगे तो नीचे आके वो एग्जैक्टली टारगेट पे स्ट्राइक करेगा, तो 4 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हो 5 डायरेक्ट है, डेप्थ देख रखा 10 मीटर, तो स्पीड क्या हो जाएगा, वी होगा √2gh, तो 10√2 यानी कि 14 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, √2 का वैल्यू 1.4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या देख रखा है, बैलून मास m राइजिंग अप विद एक्सेलरेशन a, छोटा मास m रिमूव कर दिया तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। ठीक है, एक बैलून है, उसका ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन a है, नीचे की तरफ मास एम जी, अगर एक्सेलरेशन ए है तो ऊपर बायंसी कितना होगा, एम जी प्लस ए होगा। अब क्या बोला गया कि एम मास कम कर दिया, तो अगर एम मास कम कर दोगे, ये जो वॉल्यूम है ये सब तो सेम ही रहेगा, तो ऊपर की तरफ बायंसी फोर्स में नो डिफरेंस, नीचे की तरफ जो ग्रेविटी होगा वो कितना हो जाएगा, एम माइनस एम जी हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन मान लो ए डैश, तो ए डैश कितना हो जाएगा, फोर्स दिस माइनस दिस एम जी प्लस एम ए माइनस एम जी प्लस एम ए, एम जी डिवाइडेड बाय एम माइनस एम, कैपिटल एम,
कैपिटल एम जी कट गया, बचा कितना एम ए प्लस एम जी डिवाइडेड बाय एम माइनस एम। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट देखते हैं सेवन। सेवन में ए बी दो ब्लॉक देके रखा है स्प्रिंग कांस्टेंट के, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब नेट फोर्स जीरो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू देके रखा है, मास ऑफ ब्लॉक बी। ठीक, ए का मास स्मॉल एम देके रखा है तो इस तरफ स्मॉल एम, बी का मास निकालना है, बी में कितना होगा इस तरफ होगा एम बी इंटू जी, इस तरफ नॉर्मल, ये भी सेम ही होगा, इस तरफ फ्रिक्शन हो जाएगा, और इस तरफ टेंशन। अब क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से है तो नेट फोर्स जीरो, तो टेंशन इज बेसिकली इक्वल टू एम जी, तो अगर टेंशन इक्वल टू स्मॉल एम जी है, इसका भी यूनिफॉर्म स्पीड होने के लिए क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस को इक्वल कर दो, एम जी इक्वल टू म्यू एम बी इंटू जी, तो बी का मास हो जाएगा एम बाई म्यू। सेवन का आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट है एट। दो ब्लॉक्स एक आकर दूसरे से टकराए, स्टिक टुगेदर इन इलास्टिक कोलिजन, म्यू जीरो ई जीरो, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस कितना होता है हाफ, एम वन एम टू कितना देखे रखा है फोर और सिक्स, फोर इंटू सिक्स डिवाइडेड बाई फोर प्लस सिक्स इंटू वी स्क्वायर ट्वेल्व स्क्वायर इंटू वन माइनस जीरो स्क्वायर, वन माइनस ई स्क्वायर ई जीरो है, तो ये हो गया 6 by 10 into 144, इसका आंसर कितना आ जाएगा, टू इंटू, इसका आंसर आ जाएगा 172.8, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। A cord is wound around a circumference of a bicycle wheel. Diameter देके रखा है, mass tie किया हुआ है, allowed to fall from rest. The weight falls 2 meter in 4 second. एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक है, मान लेते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, ये 4 सेकंड में 2 मीटर गया है, तो बोल सकता हूँ एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो 2 इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन इज निकालना है, टाइम इज 4 सेकंड 4 स्क्वायर, तो ये आ गया 1/4 2 मीटर इन 4 सेकेंड। अब यहाँ पे इस पॉइंट का जो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा वो बेसिकली ये वाला एक्सेलरेशन है, ए इक्वल टू अल्फा आर, तो 1/4 इक्वल टू अल्फा इंटू रेडियस कितना है 1/2, तो अल्फा आ गया 1/2, तो 9 का आंसर हो जाएगा ए 0.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है 10। 10 थियोरेटिकल क्वेश्चन है। A man stands at one end of a boat which is stationary, neglect water resistance, मतलब external force zero हो गया,
the man now moves to the other end of the boat and again becomes stationary. The center of mass of the man plus boat system will remain stationary with respect to water in all the cases. क्योंकि वाटर के रेस्पेक्ट में एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है, तो इसलिए तुम्हारा वाटर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहेगा. नेक्स्ट देखते क्वेश्चन 11. एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 3, कांस्टेंट प्रेशर देके रखा है, क्यू देके रखा है, वर्क डन. ठीक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है. Q is equal to F by 2 plus 1 N R delta T for isobaric process. और monoatomic देखे रखा है तो 3 by 2 plus 1 मतलब 5 by 2 N R delta T. basically N R delta T हो गया 2 Q by 5. तो यही तुम्हारा work done है in isobaric process. तो answer हो जाएगा 2 Q by 5. नेक्स्ट देखते हैं क्या लेके रखा है. एक राइट एंगल ट्राइंगल टाइप का है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. ये एल है, ये एल है, इस एक्सिस के बाद निकालना है. तो अगर ये हाइट एच है, हाइट का वैल्यू कितना होगा, एल बाई रूट टू होगा. दिख रहा है ये सेंटर ऑफ द पूरा स्क्वायर होता. तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम एच स्क्वायर बाय 6. तो m l बाई रूट टू का होल स्क्वायर बाई 6 यानी कि आ जाएगा m बाई 12. तो एम एल स्क्वायर बाई 12 आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए. 13. सिलेंडर रोल्स अप एन इंक्लाइन प्लेन रीचेस सम हाइट एंड देन रोल्स डाउन विदाउट स्लिपिंग थ्रू दिस मोशंस. द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स विल बी, दोनों तरफ ऊपर ही होगा ड्यूरिंग गोइंग अप और डाउन. जब ऊपर जाता है वेलोसिटी इस तरफ है, एक्सेलरेशन इस तरफ है, मतलब ग्रेविटी का फोर्स इस तरफ है, तो एक्सेलरेशन इस तरफ होगा. एक्सेलरेशन जी साइन थीटा नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन भी है, लेकिन फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, एम जी साइन थीटा. तो क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ है, तो इसका मतलब ये जो जब ऊपर जाएगा वो स्लो होते जाएगा. अगर स्लो होगा और प्योर रोलिंग हो रहा है, तो बिकॉज स्लो होते जा रहा है मतलब तुम्हारा वेलोसिटी कम होते जा रहा है. अगर वेलोसिटी कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी को भी कम होना ही पड़ेगा, क्योंकि वी इक्वल टू ओमेगा आर हमेशा मेंटेन होना है. तो अगर वी बढ़ेगा तो ओमेगा भी बढ़ेगा, उल्टा मैं बोल सकता हूँ वी घटेगा तो ओमेगा भी घटेगा. तो अगर ऊपर जाते टाइम वी कम हो रहा है और इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी कम हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी किस तरफ है, इस तरफ है, क्योंकि ऐसे रोल होते हुए जा रहा है. तो इसका अगर स्लो एंगुलर वेलोसिटी को कम करना है तो टॉर्क को उल्टे डायरेक्शन में लगना पड़ेगा, मतलब इस एम जी साइन थीटा की वजह से तो कोई टॉर्क नहीं है क्योंकि सेंटर ऑफ मास से पास होगा. तो फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, अगर फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा तभी फ्रिक्शन का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा, जिसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी कम होना स्टार्ट होगा. और सिमिलर लॉजिक में नीचे आने के टाइम पे भी लगा सकता हूँ. जब ये नीचे आएगा तो इसका स्पीड बढ़ना स्टार्ट होगा, अगर स्पीड बढ़ेगा तो ओमेगा को भी बढ़ना पड़ेगा. अगर ओमेगा को बढ़ना है तो जिस डायरेक्शन में ओमेगा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा है, तो टॉर्क को भी एंटी क्लॉकवाइज ही होना पड़ेगा. तो फ्रिक्शन को अभी भी ऊपर ही लगना पड़ेगा. तो दोनों टाइम पे ऊपर प्योर रोलिंग के टाइम पे ऊपर जाते टाइम भी नीचे आते टाइम भी दोनों तरफ फ्रिक्शन ऊपर की तरफ ही लगेगा. तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अप द इंक्लाइन प्लेन व्हाइल असेंडिंग एज वेल एज डिसेंडिंग. क्वेश्चन नंबर 14. वेट ऑफ ए गिवन बॉडी इज मैक्सिमम एट डायरेक्ट पोल्स है, एट इक्वेटर क्या हो जाता है, एट इक्वेटर सेंट्रिफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर की तरफ लगने लगता है, जिसकी वजह से तुम्हारा वेट कम हो जाता है. पोल्स में सेंट्रिफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट सबसे नील होता है, सबसे मिनिमम होता है, इसलिए पोल्स में ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू भी सबसे ज़्यादा होता है. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एट द पोल्स. नेक्स्ट देखते 15. दो आइडेंटिकल होल्स, एरिया ए, डेंसिटी रो, डिफरेंशियल हाइट एच. मतलब इन दोनों की वजह से जो नेट फोर्स होगा उसी नेट फोर्स के बराबर हमें उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तुम्हारा इसको हम इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं.
यहाँ से पानी इस तरफ निकलेगा और यहाँ पे से पानी इस तरफ निकलेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन उल्टा होगा, मतलब यहाँ से पानी इस तरफ निकल रहा है तो इस पर फोर्स इस तरफ लगेगा, यहाँ से लिक्विड इस तरफ निकलेगा तो फोर्स इस तरफ होगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है? रो ए वी स्क्वायर होता है। तो अगर ये एच वन है और ये एच टू है तो यहाँ से फोर्स लगेगा, मतलब इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा रो ए इंटू टू जी एच वन, मतलब रूट टू जी एच वन का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से जो फोर्स इस तरफ लगेगा ये हो जाएगा रो ए इंटू वी स्क्वायर करूँगा टू जी एच टू, समझ में? ये रूट टू जी एच वन का होल स्क्वायर और ये रूट टू जी एच टू का होल स्क्वायर, रो ए वी स्क्वायर। तो नेट फोर्स कितना होगा? ये ऑब्वियसली ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा नीचे है तो पानी ज़्यादा फोर्स के साथ निकलेगा, ज़्यादा स्पीड के साथ निकलेगा तो उल्टे टाइप में फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो एफ नेट इज एफ टू माइनस एफ वन, तो टू जी रो ए कॉमन आ गया, एच टू माइनस एच वन व्हिच इज इक्वल टू एच, जो क्वेश्चन में देके रखा है। तो आंसर ये हो जाएगा टू रो ए जी एच, आंसर सी। सिक्सटीन, ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ वायर ऑफ मास स्मॉल एम क्रॉस सेक्शन एरिया लेंथ एल, एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर इज कन्वर्टेड टू हीट द राइज इन द टेम्परेचर। ठीक, इसमें टोटल एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा? एनर्जी होता है हाफ इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। यहाँ पे हमें स्ट्रेस पता है, स्ट्रेन निकालने की जरूरत नहीं। स्ट्रेस कितना हो जाएगा? एम जी बाय क्रॉस सेक्शन एरिया देखे रखा है, हाँ एरिया ए देखे रखा है, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ स्ट्रेन हो गया स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस, तो स्ट्रेस स्क्वायर बाय यंग्स मॉडुलस इनटू वॉल्यूम। अब ये सारा का सारा एनर्जी हीट के फॉर्म में जा रहा है, मतलब एम एस डेल्टा टी, तो सिग्मा स्क्वायर बाय टू वाई इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। डेल्टा टी निकालने के लिए बोला है, सिग्मा हो जाएगा एम जी बाय ए, तो एम जी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, वॉल्यूम ए इंटू एल टू वाई, एम एस नीचे आ जाएगा, तो यही आंसर है एम जी होल स्क्वायर एल टू ए वाई एम एस। 16 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं 17, यूनिफॉर्म मेटल रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस, टेम्परेचर बढ़ा दिया छोटा अमाउंट, फ्रैक्शनल चेंज इन एंगुलर स्पीड, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या बोला जा रहा है कि एक रॉड है, एक एक्सिस के बाद ये घूम रहा है अबाउट एन एंड, ये घूम रहा है और इसका टेम्परेचर चेंज किया जा रहा है। टेम्परेचर चेंज करोगे मतलब तुम बेसिकली इसको एनर्जी डाल रहे हो लेकिन एक्सटर्नल कोई फोर्स या टॉर्क नहीं है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो मैं बोल सकता हूँ आई इंटू ओमेगा इज कांस्टेंट। अगर आई इंटू ओमेगा कांस्टेंट है देयरफॉर डेल्टा आई बाय आई मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा, मैग्नीट्यूड वाइज एक ज़्यादा होगा तो दूसरा कम होना पड़ेगा। डेल्टा आई बाय आई को मैं क्या लिख सकता हूँ? आई होता है एम आर स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 2 डेल्टा आर बाय आर इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा। और डेल्टा आर का वैल्यू कितना होगा? आर अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर, तो देयरफॉर डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। और डेल्टा टी का वैल्यू 3 डिग्री सेल्सियस है तो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आंसर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा बी।
नेक्स्ट देखते हैं 18, एन इलेक्ट्रिक फैन विथ इफेक्टिव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एक्सेलरेट्स एरिया ऑफ डेंसिटी डी टू स्पीड वी, व्हाट इज द पावर नीडेड फॉर द प्रोसेस। तो देख के बोल सकते हैं आंसर डी है, बाकी डायमेंशन ही मैच नहीं हो रहा। 18 का पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो जितना भी वर्क डन किया जा रहा है वो किस में जा रहा है, एयर के काइनेटिक एनर्जी में जा रहा है। टाइम में कितना मास को एक्सेलरेट किया जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, हाफ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू वी स्क्वायर बाय टी, हाफ वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू और लेंथ कितना हो जाएगा, वी इनटू टी। वी टी टाइम में वी स्पीड के साथ वी इनटू टी डिस्टेंस। टी कट गया, तो हाफ डेंसिटी का वैल्यू रो के जगह पे डी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ए वी क्यूब आंसर हो जाएगा डी। 18 का आंसर हो गया डी। नाइनटीन, मर्क्यूरी थर्मोमीटर है, फोकस अच्छा, यहाँ पे एक कॉनकेव रिफ्लेक्टर है और यहाँ पे एक थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर बल्ब, रेडिएशन इस तरफ से आ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस विल कॉज द स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में स्मॉलेस्ट रीडिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, थर्मोमीटर सबसे कम हीट एब्जॉर्ब करना चाहिए, ठीक है। तो फर्नेस यहाँ कही है, मतलब जो रेडिएशन है वो इस तरफ जाएगा, जाके रिफ्लेक्ट होकर इस पर गिरेगा, ब्लैक रिफ्लेक्टर शाइन। ठीक, अब इसका टेम्परेचर सबसे कम रीडिंग के लिए होना क्या चाहिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सबसे कम हीट आना चाहिए। दो चीज़ें, एक तो कम हीट आना चाहिए और दूसरा चीज़ कम हीट एब्जॉर्ब करना चाहिए। अगर यहाँ से ज़्यादा हीट आया तब भी इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, या फिर जो भी आ रहा है उसका अगर वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तब भी उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो हमारा एम ये होना चाहिए पहले कि यहाँ पे कम हीट आना चाहिए, कम हीट रिफ्लेक्ट होकर कब आएगा, अगर ये चीज़ ज़्यादा रिफ्लेक्टिव ना हो, और ज़्यादा रिफ्लेक्टिव ना हो तो सबसे कम रिफ्लेक्टिव क्या होता है, ब्लैक। तो हम ये चाहिए कि जो रिफ्लेक्टर है वो ब्लैक होना चाहिए, तो एक तो ब्लैक रिफ्लेक्टर, शाइनी रिफ्लेक्टर होने से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा तो ज़्यादा आएगा, तो एक तो ये हो गया ब्लैक। अब ब्लैक हो गया तो आएगा कम, अब हम ये चाहते हैं कि जो भी कम इसमें आ रहा है वो उसको भी एब्जॉर्ब ना करे, क्योंकि अगर ये एब्जॉर्ब करेगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो इसका मतलब ये खुद कैसा होना चाहिए, खुद शाइनी होना चाहिए, तो ये जो खुद है ये शाइनी होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि रिफ्लेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ले, तो रिफ्लेक्टर ब्लैक होना चाहिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये एब्जॉर्ब ना करे, ये ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करे, तो ये शाइनी होना चाहिए, तब कम होगा। उल्टा करोगे तो सबसे ज़्यादा रीडिंग होगा, यहाँ पे अगर इसको शाइनी और इसको ब्लैक करोगे तो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करके इसके तरफ भेजेगा, और ये खुद ब्लैक है तो बहुत सारा एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से रीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट रीडिंग के लिए ब्लैक रिफ्लेक्टर शाइनी बल्ब आंसर बी होगा। 19 का आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट देखते 20, ए ब्लॉक ऑफ आइस मास स्मॉल एम फॉल्स इनटू लेक, ए लेक आफ्टर इम्पैक्ट a mass of ice m by 5 melts ये सिंपल सा है, जितना भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कम हुआ वो किस में जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ m g h must go into कितना मेल्ट हुआ, m by 5 मेल्ट हुआ into l, यही है l by 5 g।
आंसर हो जाएगा ए 21. An ideal gas changes its state from A to B, represented in the PT diagram. The work done in by the gas in this process. Zero. ये ग्राफ ये आइसोकोरिक के लिए है क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर. प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टेम्परेचर कब होगा? जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होगा. और वॉल्यूम कॉन्स्टेंट मतलब वर्क डन इज जीरो. तो इसका आंसर डायरेक्ट ए जीरो. नेक्स्ट देखते हैं 22. 1 liter फ्लास्क मेड ऑफ ग्लास कंटेन्स सम मर्क्यूरी. इट इज फाउंड दैट एट डिफरेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द फ्लास्क रिमेन्स कॉन्स्टेंट. What is the volume of mercury? मानो ऐसा फ्लक्स है, ये बाहर का ढक्कन है, इतना मर्क्यूरी है, तो ये ऊपर का एयर. मर्क्यूरी का वॉल्यूम मान लो वी है. टोटल वॉल्यूम हमें पता है कितना है, 1 लीटर. ml के टर्म्स में करते हैं, वॉल्यूम टोटल इज 1000 ml. आंसर ml में दिया है तो मैंने वॉल्यूम को भी 1000 ml में लिख लिया. बोला है कि एट डिफरेंट टेम्परेचर ये कॉन्स्टेंट है. ठीक, अब इनिशियल रूम जिस टेम्परेचर पर हम मेजर कर रहे हैं रेफरेंस टेम्परेचर, उसमें एयर का वॉल्यूम कितना होगा? 1000 - V. अब मान लो डेल्टा टी बढ़ा दिया तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1000 - 1 plus ग्लास का क्या देखे रखा है? अल्फा ऑफ ग्लास. तो 3 alpha, क्योंकि हम वॉल्यूमेट्रिक चेंज निकल रहा है तो 3 alpha करना पड़ेगा. डेल्टा टी माइनस वी 1 plus मर्क्यूरी का है गामा डेल्टा टी. इसको खोलेंगे, 1000 कट गया, वी कट गया, बचा क्या? 1000 × 27 × 10⁻⁶ इक्वल टू V × 18 × 10⁻⁶. वी आ गया 1500 ml. इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, आंसर ए होगा. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23. N ट्यूनिंग फॉर्क्स वेयर N इज एन ऑड नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज. द लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क has twice the frequency of the first tuning fork. Each tuning fork gives b number of beats the frequency of the first tuning. Okay. N tuning forks hai. Last wale ka frequency pehle wale ka twice hai. Matlab iska agar f hua to iska twice f hoga. Ab dekho beech mein kitne gaps hai, to n minus 1 gaps hai. To n forks hai to n minus 1 divisions hai. तो हर एक गैप कितने का हो जाएगा? हर एक गैप हो जाएगा, टोटल गैप कितना है? एफ का गैप है 2f - f, और नंबर ऑफ डिविजन्स कितना है? n - 1. तो अगर पहले वाले का फ्रीक्वेंसी एफ है तो सेकेंड वाले का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? f + f/n - 1. और बोला है कि इनमें जो बीच हो रहा है दैट इज इक्वल टू b, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू b, तो f/n - 1 इज इक्वल टू b. तो f हो गया b × n - 1. मुझे निकालने के लिए क्या दिया? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट, तो वही हमने निकाला है, तो आंसर ये हो जाएगा. आंसर हो जाएगा a. 23 का आंसर हो जाएगा a. नेक्स्ट देखते हैं 24. ए टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 200, आईपीस 2. टेलीस्कोप इज यूज टू see a 50 meter tall building at a distance of 2 km. What is the height of the image of the building formed by the objective lens? Here eyepiece ka below aise dekh rakha hai, basically telescope ka question hai hi nahi, simply lens ka question, sirf objective lens ke image ki baat ki ja rahi hai.
2 किलोमीटर। हाइट निकालना है, ठीक। पहले तो इमेज डिस्टेंस निकालते हैं। इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यू एफ बाई यू माइनस यू प्लस एफ, 1 बाई वी माइनस 1 बाई। तो ये हो जाएगा माइनस 2000 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय माइनस 2000 प्लस 0.2। नीचे 0.2 का नेगलेक्ट कर देते, ऊपर हो जाएगा कितना होगा 400 ना, 400 माइनस माइनस कट गया, 400 बाय 2000 यानी कि 1/5 प्लस 1/5 मीटर। तो इमेज डिस्टेंस कितना, हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 50 इज इक्वल टू वी बाय यू प्लस वी बाय यू, तो 1/5 डिवाइडेड बाय माइनस 2000। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दो कट गया, फाइव सेंटीमीटर आएगा। कहीं पे एक जीरो, 1/5 50 10,000 टाइम्स 50 मीटर, 50 मीटर 5,000, 0.5। यहाँ पे गलत करके रखा है, टू मीटर यहाँ पे भी नेगलेक्ट कर सकते हैं, 2000 के सामने 2 बहुत छोटा है, तो ऊपर हो जाएगा 4000 2000, तो ये होगा प्लस 2, दिस इज 2 2 2, तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। माइनस आ गया क्योंकि इन्वर्टेड, तो आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 का आंसर है ए। नेक्स्ट 25, ए राइट एंगल प्रिज्म विथ एन एपेक्स एंगल 30 डिग्री शोन 60 डिग्री। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे दिख रहा है आर टू जीरो है, तो आर वन का वैल्यू सिंपली ए के बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दो, 1 sin 30 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन, 1 sin 60 इक्वल टू साइन 30, 1 into sin 60 इक्वल टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इन साइन 30, तो म्यू का वैल्यू आ जाएगा 1, म्यू का वैल्यू हो जाएगा √3, साइन 60 इज √3/2, साइन 30 इज हाफ, हाफ ऑफ कट गया, म्यू हो जाएगा √3, तो 25 का आंसर हो जाएगा सी। 26, व्हेन अ पोलराइजर एंड एनालाइजर आर अरेंज्ड सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 30 डिग्री, मेलर्स लॉ का क्वेश्चन, इंटेंसिटी I1 60 होने पे I1 by I2, ठीक, I1 by I2 इज सिंपली I0 cos square 30 डिग्री, इनिशियली 30 था, फाइनली
कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, मतलब रूट 3/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 का होल स्क्वायर, तो आंसर है 3:1, तो 26 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं 27, इन द सर्किट शोन V, all the three condensers are equal capacity, like condenser carries more charge. यहाँ पर तीनों पैरेलल है, मैं डायरेक्ट देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी पोटेंशियल होगा इस तरफ और यहाँ पे सेम ही पोटेंशियल होगा, और यहाँ पे जो भी पोटेंशियल होगा वो यहाँ पे C1 के लेफ्ट वाले प्लेट में भी होगा और बाकी दोनों कैपेसिटर्स के राइट वाले प्लेट में होगा, तो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होगा। ड्रॉ कर लेता हूँ, अगर यहाँ पे पोटेंशियल V1 है तो ये भी V1 होगा, ये भी V1 होगा, ये भी V1 होगा, क्योंकि ये पूरा पार्ट सेमी पोटेंशियल पे, ये V का है तो यहाँ पे V1 प्लस V हो जाएगा, तो यहाँ पे भी V1 प्लस V, यहाँ पे भी V1 प्लस V और यहाँ पे भी V1 प्लस V, तो देखो सभी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V ही है, तो इसका मतलब तीनों पैरेलल, तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑल थ्री कैरी द सेम चार्ज डी। नेक्स्ट है 28, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज में कितना चार्ज होगा। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है तब उससे करंट जीरो हो जाता है, ये 100 है, ये 200, ये 6 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा वी विल बी इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 200 इंटू 6, यानी कि 4 वोल्ट, या फिर करंट निकाल के ओम्स लॉ यूज कर भी कर सकते हो, करंट हो जाएगा 6/300 × 200, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके अक्रॉस भी सेम ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिकॉज पैरेलल है, तो चार्ज हो जाएगा सी वी, सी का वैल्यू 10 μF × 4, तो 40 μC, आंसर हो जाएगा डी। 28 का आंसर डी। 29, ए थिन होलो स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाफ ऑफ द पोटेंशियल एट द सेंटर। ठीक है, पोटेंशियल का सेंटर कितना होता है, सरफेस के साथ सेम होता है, पूरे में सेम ही होता है, क्योंकि शेल में चार्ज सिर्फ बाहर होता है, अंदर इलेक्ट्रिकल जीरो, तो सरफेस पे जो भी पोटेंशियल होता है अंदर भी हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम ही होता है, तो इसका आधा होने के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आउटसाइड होता है KQ/r, तो इसका आधा होने के लिए R का वैल्यू 2R होना पड़ेगा, तभी सेंटर से आधा हो जाएगा, तो आंसर होगा 2R डी। 30, ए सेट ऑफ क्रिसमस लाइट्स कंसिस्ट ऑफ 20 आइडेंटिकल लैंप्स व्हाट इज द पावर डिस्पैच्ड डिसिपेटेड बाय ईच लैंप। ठीक है, पावर होता है V×I। अब करंट का वैल्यू तो 0.25 देके रखा है, V कितना होगा, ये 20 आइडेंटिकल लाइट बल्ब मिल के सीरीज में कनेक्ट है ना, तो मिल के 240 वोल्ट खा रहा, मतलब ऐसे 20 रेजिस्टेंस है सबके अक्रॉस मिला के 240 वोल्ट है, तो एक के अक्रॉस कितना होगा 240/20, तो V इज 240/20, 12×0.25 मतलब 3, आंसर हो जाएगा बी 3 वाट। 30, नेक्स्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ डील्स विद कंजर्वेशन चार्ज, पहला लॉ कंजर्वेशन चार्ज है, दूसरा लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, A physicist works in a laboratory where magnetic field is 2 Tesla. She wears a necklace, area देके रखा है, resistance देके रखा है, decays change हो गया, charge कितना circular, charge कितना होता है, delta Q, मतलब ये Faraday's law वाले part का question है, delta Q is equal to delta phi by R,
चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस। चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, है मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, एरिया सेम है, तो एरिया इंटू बी फाइनल माइनस बी इनिशियल बाय रेजिस्टेंस। कर लेते हैं, एरिया कितना देखा था, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 10^-4, तो 10^-2 इंटू 2 टेस्ला माइनस 1 टेस्ला, 1। रेजिस्टेंस देखे रखा 0.1, तो 10^-1, 0.1 कूलो। 32 का आंसर हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मोटर रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को मोटर रूल कहा जाता है, क्योंकि उसमें मोटर में जो फोर्स होता है तो हम उसको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हो। सिमिलरली राइट हैंड रूल को जनरेटर रूल भी बोला जाता है, क्योंकि जनरेटर में जो किस तरफ करंट इंड्यूस होगा, करंट आएगा, जनरेटर में हम करंट प्रोड्यूस करते हैं। जनरेटर में हम करंट प्रोड्यूस करते हैं और जनरेटर में हम मैकेनिकल एनर्जी को करंट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो जब घुमाते हैं तो करंट किस तरफ इंड्यूस होगा उसको हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, तो उसको जनरेटर रूल बोला जाता है। और मोटर में क्या होता है, हम लोग घुमा के करंट प्रोड्यूस करते हैं, नहीं करंट प्रोड्यूस करने की वजह से वो घूमता है। तो करंट प्रोड्यूस करने की वजह से जो मैग्नेटिक एफ इंटू एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी जो फोर्स लगता है उसको हम लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं, तो उसको लेफ्ट हैंड रूल को मोटर रूल भी बोला जाता है। ठीक, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज ऑल्सो नोन एज मोटर रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज ऑल्सो नोन एज जनरेटर रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स ईच ऑफ रेडियस आर एंड कैरिंग ए करंट आई आर अरेंज रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट। 90 डिग्री पे है तो रूट टू वाला टर्म आ जाएगा। जो इस टाइप से लूप है उसका मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ होगा, आई इंटू पाई आर स्क्वायर, और जो इस तरीके का है उसका इस तरफ आ जाएगा, आई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एक इस तरफ एक इस तरफ, तो रिजल्टेंट बीच से जाएगा, रूट टू इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर। आंसर सी, 34 का आंसर हो जाएगा सी। 35, ए सेमी सर्कुलर वायर इज मूविंग राइट, ठीक, वायर बिकम्स V इस तरफ है, B अंदर की तरफ है, तो चार्ज पे जो फोर्स लगता है, फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस B। तो V क्रॉस B करूँगा तो ऊपर आएगा, तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा, चार्ज नेगेटिव होने से फोर्स का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्जेस ऊपर की तरफ और नेगेटिव चार्जेस नीचे की तरफ, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये कौन सा, यहाँ पे B है, तो पॉजिटिव चार्जेस विल बी पॉजिटिव चार्ज एट एंड बी, आंसर हो जाएगा बी। 35 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं 36, इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट फॉल्स थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस 16 वोल्ट, डी ब्रोक डी वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नियरली। लैम्डा इज इक्वल टू रूट ओवर 150 बाई वी एंगस्ट्रॉम। ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 9 times के आसपास है, तो अगर ये ऑलमोस्ट 9 times के आसपास होगा, रूट करूंगा तो ऑलमोस्ट 3 के आसपास आ जाएगा, तो 36 का आंसर हो जाएगा बी। मैं अप्रोक्सीमेटली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज आसपास नहीं है ना, वैल्यूज में सिर्फ 10 के ऑर्डर का डिफरेंस है, तो मैं बस 10 के ऑर्डर के डिफरेंस के हिसाब से देख रहा हूँ। ये लगभग 9 के आसपास है, रूट करोगे तो 3 के आसपास आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी 36। 37, मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, ठीक, सरफेस देखे रखा है रिफ्लेक्टिंग, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, मतलब एक फोटोन अगर इस तरफ मोमेंटम एच बाय लैम्डा से जाएगा, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होगा, तो उतने मोमेंटम के साथ ही वापस आ जाएगा। तो डेल्टा पी फॉर वन फोटोन इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा। अब यहाँ पे एक सेकेंड में कितने फोटोन्स आ रहे हैं, एन फोटोन्स आ रहे हैं, तो एक सेकेंड में चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, डेल्टा पी इन वन सेकेंड इज बेसिकली एन इंटू डेल्टा पी ऑफ वन फोटोन, तो टू एच एन बाय लैम्डा। और एक सेकेंड में जितना मोमेंटम चेंज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स।
कि फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम इन वन सेकेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा 2nh/λ बी। नेक्स्ट 38 आइंस्टाइन थ्योरी का क्वेश्चन, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन इज नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितना भी एनर्जी फोटोन लेके आता है उसका एक पार्ट वर्क फंक्शन में यूज अप हो जाता है, बाकी का हम लोग काइनेटिक एनर्जी में बाकी इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है, तो बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन है। 38 का आंसर हो जाएगा डी। थ्योरेटिकल द फंक्शन ऑफ ए मॉडरेटर इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर इज टू स्लो डाउन फास्ट न्यूट्रॉन्स, जनरली होता क्या जो न्यूट्रॉन्स होता है वो इतना फास्ट होता है कि उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन बहुत कम हो जाता है, तो चांस बहुत कम चांस होता है कि ये न्यूट्रॉन जाकर किसी दूसरे एटम के साथ टकराएगा, ये देखा जाता है, तो उसको एक मॉडरेटर से पास करके थोड़ा सा स्लो करते हैं जिसको हम बोलते हैं थर्मल न्यूट्रॉन्स। थर्मल न्यूट्रॉन बनने के बाद ही डीके हमारा फ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट होता है, हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं 40, टू रेडियो एक्टिव मटेरियल X1 एंड X2 सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियर डीके कॉन्स्टेंट देके रखा है, ठीक है N1 हो जाएगा N0 e^-8λ टी, N2 हो जाएगा N0 e^-1^8 इसका 3। अब बोला गया कि N1/N2 इनिशियली दोनों का N0 लिया क्योंकि सेम देके रखा है, इनिशियली सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियर, तो N1/N2 इज इक्वल टू e^N0 कट गया, दिस माइनस दिस करोगे -5λt इज इक्वल टू 1/e देके रखा है, दिस इज e^-1 तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो t आ गया 1/5λ। इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी बार नीट में आ चुका है, ये 40 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हो 41, कितना करंट फ्लो हो रहा है नियरली इक्वल टू, इसके लिए इसका वो वैल्यू पता होना चाहिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस आता है, सिलिकॉन का नी वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट के आसपास, तो अगर यहाँ पे 11 हुआ यहाँ पे 12 से यहाँ पे 11 बन जाएगा, ये 5000 ओम यहाँ पे 0, तो करंट हो जाएगा 11-0/5000, तो ये तो हो गया मिली एम्पियर 11/2.2 मिली एम्पियर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 41 का आंसर हो गया ए। द आउटपुट ऑफ द गिवन सर्किट इन द फिगर टेकन अक्रॉस डायोड, इनपुट का फंक्शन कैसा होगा, साइन के फॉर्म में देखे रखा है तो साइनोसॉइडल है, तो इनपुट ऐसा है टाइम, तो आउटपुट कैसा हो जाएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर है ऐसा जाएगा, तो वुड बी जीरो एट ऑल टाइम्स ऑब्वियसली नहीं है, वुड बिहेव लाइक ए हाफ वेव रेक्टिफायर विद पॉजिटिव साइकिल्स इन आउटपुट, पॉजिटिव साइकिल्स इन आउटपुट सही है, पॉजिटिव साइकिल्स में तुम्हारा आउटपुट आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है 42 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं 43, द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, मतलब सबसे कम एनर्जी इन द लाइमन सीरीज टू द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बॉलमर सीरीज इज, ठीक है अब लाइमन के लिए मैं यहाँ पे नीचे लिख सकता हूँ क्योंकि 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर वाला फॉर्मूला आता है, तो यहाँ पे आर हाइड्रोजन 1 स्क्वायर, लाइमन है तो 1/1 स्क्वायर -1/2 स्क्वायर, बॉलमर के लिए मैं ऊपर लिख सकता हूँ शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो सबसे कम एनर्जी मतलब 1/2 स्क्वायर -1/3 स्क्वायर, तो ये बन गया 9-4 5 बाय 4-1 3, तो 5/27। 43 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं 44, टाइम पीरियड है 2π/100 m/k,
तो देखे रखा है टू इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एम बाय के, थ्री इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एम प्लस टू बाई के। एम निकालना है तो रेशियो लेके स्क्वायर कर दे रहे, नाइन बाय फोर इज इक्वल टू एम प्लस टू बाई एम, नाइन एम माइनस फोर एम फाइव एम इज इक्वल टू एट, तो एम इज इक्वल टू 1.6 के जी। तो 44 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 45, टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर्स ए एंड बी 100 मीटर अपर डॉपलर इफेक्ट सेपरेशन कोई मतलब नहीं होता डॉपलर इफेक्ट में, सोर्स यहां कही है रेशियो वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड, सही है। देखो अगर सोर्स मूव करता है तो वेवलेंथ पे इफेक्ट होता है, जब ऑब्जर्वर मूव करता है तो स्पीड पे इफेक्ट होता है, तो यहाँ पे वेवलेंथ चेंज होगा। अगर ए के तरफ आ रहे हो तो ए के तरफ ए का जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वेवलेंथ कम हो जाएगा, इसीलिए वी को लेफ लैम्डा, तो अगर वेवलेंथ कम होगा तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ना पड़ेगा क्योंकि वी तो सेम ही है, तो ए को कितना फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी की बात नहीं करो, जो सुनाई देगा ओरिजिनल देखे ना कितना है, रेशियो निकालना है। तो इसका अगर एफ है तो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ए विल बी एफ इनटू थ्री फोर्टी प्लस ट्वेंटी डिवाइडेड बाय थ्री फोर्टी, और बी जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा, फ्रीक्वेंसी नहीं वेवलेंथ की बात कर रहा हूँ, अगर ये लैम्डा है तो लैम्डा हर्ड बाय ए विल बी इक्वल टू लैम्डा इनटू दिस ए का, ए जो लैम्डा सुनेगा, लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा कम, तो ये हो जाएगा 340 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 340, तो 32 बाय 34 लैम्डा, और बी जो वेवलेंथ सुनेगा वो होगा 340 प्लस 20 340 इक्वल टू 36 बाय 34 इनटू लैम्डा। अब निकालने के लिए ए इज टू बी का रेशियो, तो 34 कट गया, लैम्डा कट गया, बचा 32 इज टू 36, तो अगर 84 से जाएगा तो 8/9, तो 45 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं 46, सर्कुलर मोशन कॉन्स्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इनिशियली रेस्ट, ठीक है। अगर रेडियस आर है, यहाँ से स्टार्ट किया वी जीरो, कॉन्स्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मान लो ए है, तो जब मैं घूम के यहाँ तक आऊँगा तो मेरा स्पीड कितना हो जाएगा, वी इक्वल टू रूट ओवर टू इंटू ए इंटू डिस्टेंस टू पाई आर, तो रूट फोर पाई आर ए, तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर, फोर पाई आर ए बाय आर, तो ए सी बाय ए इक्वल टू फोर पाई।
तो सेंट्रिपिटल बाय टेंजेंशियल का रेशियो हो जाएगा 4π, ठीक है। तो 46 का आंसर इज डी। नेक्स्ट 47, डिस्क रेडियस 14.14 मतलब 10√2, एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है, तो ये एक्स ये वाई है। फिर बोला गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस मतलब mr²/2 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लाइन वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी, ठीक। देखो ये अगर सी है तो ये कितना हो जाएगा, ये c/√2 हो जाएगा क्योंकि 45 डिग्री पे इंक्लाइन है लाइन। तो मैं बोल सकता हूँ इसके बाद कितना है, इसके बाद है mr²/4। तो इसके बाद मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम्स लगा सकता हूँ, निकाल सकता हूँ mr²/4 प्लस m(c/√2)² इक्वल टू mr²/2 मतलब c²/2 इक्वल टू r²/4। C इज इक्वल टू r/√2 और r का वैल्यू है 10√2, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो 47 का आंसर ए। 48, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सिस्टम कैन बी इंक्रीज बाय, सेल्फ इंडक्टेंस अगर फॉर्मूला याद है इसका सोलेनोइड का μ0n² × वॉल्यूम। तो इंक्रीजिंग द करंट रेट नहीं, करंट का प्रॉपर्टी नहीं है, डिक्रीजिंग द करंट नहीं है, इंसर्टिंग एन आयरन कोर होगा, अगर आयरन कोर डाल लोगे तो म्यू बढ़ जाएगा क्योंकि तब μr·μ0n²V है और क्योंकि आयरन फेरोमैग्नेटिक है तो उसका μr का वैल्यू काफ़ी बड़ा है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, इंक्रीज द नंबर टर्न्स भी होगा, n बढ़ाने से भी होगा, तो cnd। तो 48 का आंसर हो जाएगा बी। 49, टॉर्क इज m×b मतलब mb sin θ, तो dτ/dθ इज mb sin θ का डिफरेंशिएशन cos θ। अगर इसको मैक्सिमम होना है तो इसका वैल्यू 1 होना चाहिए और इसका वैल्यू 1 मतलब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। तो 49 का आंसर हो जाएगा ए, 0 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 15 क्या लेके रखा है। टू आइडेंटिकल पिट बॉल्स आर चार्ज बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर मतलब दोनों में चार्ज सेम, एक में प्लस एक में माइनस। दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल रॉड थ्रू स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ √401 cm मतलब 20² + 1² द सेपरेशन बिटवीन द सस्पेंशन पॉइंट्स बींग 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इक्विलिब्रियम द सेपरेशन बिटवीन 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक दे ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, मतलब ये 1 सेंटीमीटर होगा, ये √401 देके रखा है मतलब √20² + 1² तो ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें मान लो प्लस क्यू, इसमें माइनस क्यू, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स होगा, ग्रेविटी, इस तरफ हो जाएगा टेंशन, ये अगर थीटा है और इस तरफ आएगा KQ²/r², तो अगर इक्वेशन लिखूं t sin θ = KQ²/r², t cos θ = mg ratio tan θ = KQ²/mg r², तो टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस 1/20, के का वैल्यू पता है q², एम का वैल्यू 8 ग्राम दे के रखा है, जी का वैल्यू 10, आर का वैल्यू 3 सेंटीमीटर दे के रखा है,
इसको सॉल्व करने से q आ जाएगा, और q कितना होगा, q इज इक्वल टू n टाइम्स e, वेयर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड बिटवीन देम। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा b, 1.25 into 10 to the power 11 आ जाएगा, ठीक। तो 40 का आंसर आ जाएगा